संबल में ट्रांसपोर्ट मालिक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां होटल पर खाना खाने के दौरान हुई कहासुनी के बीच आरोपी नौकर ने ट्रांसपोर्ट स्वामी के डंडे से पीटकर हत्या कर दी। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। ट्रांसपोर्ट मालिक खेमपाल सिंह की हत्या का पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के शहजादी सराय मुरादाबाद मार्ग का है, जहां मृतक का प्रेम भोजनालय पर खाना खाने के दौरान आरोपी नौकर अनिल से विवाद हो गया था। आरोप है कि मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी ने खेमपाल सिंह के सिर पर लाठी से बार कर हत्या कर दी। ट्रांसपोर्ट मालिक की हत्या की जानकारी सुबह हुई तो पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि युवक की हत्या की पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। 3 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया गया है। थाना कोतवाली संभल के अंतर्गत आज एक व्यक्ति जिसका नाम खेमपाल, उम्र लगभग 40 वर्ष है, इसका शव बरामद हुआ। सुबह 6 बजे जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस ने सीसीटीवी व अन्य साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 घंटे के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए आरोपी अनिल को गिरफ्तार किया है। अनिल के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि होटल पर रात में खाना खाते समय हुए गाली गलौज के कारण जो विवाद हुआ था, उसकी वजह से उसने खेमपाल के सिर में लकड़ी के गट्टे से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। अनिल को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। खेमपाल के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।